इंडिया की वुमेन्स के साथ पंगा लोगे फिर आपके साथ चंगा नहीं होगा। जो इंडिया ने आज श्रीलंका की बैंड बजाई है, इनको धोखे रख दिया, उनके घर के अंदर घुस के जो मारा है ना आज इंडिया की मेन टीम ने, ये होता है बदला लेना। आज इंडिया ने बदला लिया, किसी का बाप भी इंडिया को नहीं रह सकता। जैसे इंडिया ने इंडिया की वुमेन्स को हराया श्रीलंका ने आज, वही वैसे इंडिया के मेंस ने यार 7 ओवरों के अंदर मैच चेस करके वो मारा। इंडिया ना इंडिया, सबसे पहले तो ये है कि सब टीमों का बाप है, ठीक है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि ये हमारी टीम कुछ भी नहीं है, ये एक दफा हार जाए सब सुस्त हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे इनका कोई बाप मर गया है। इंडिया को बदला लेना आता है, ठीक है। इंडिया ने आज ऐसा, मैं कहता हूँ, आलू रखा है कि पता चल गया कि इंडिया ने बदला लिया है। बिल्कुल सर, आज जो हमें जायसवाल की बैटिंग नजर आई है, जो बैटिंग है ना, मैं कहता हूँ कि लेवल है, ठीक है यार। हार्दिक पांड्या ने आज साबित कर दिया कि टॉप वन प्लेयर इंडिया कह लें या वर्ल्ड कह लें, कि उन्होंने बॉलिंग भी डिफेंड किया और बैटिंग में भी डिफेंड किया। मैं ये कहता हूँ कि मैं हार्दिक पांड्या को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। हार्दिक पांड्या आज पाकिस्तान हम चैंपियन ट्रॉफी खेलते हैं। हार्दिक पांड्या यार जहाँ मर्जी आ जाए, वो बेशक वो दुनिया किसी भी मुल्क से खेले, मुझे उससे मोहब्बत है। ने जिस तरह पहले मैच में धोया, आज भी उससे साबित कर लिया कि उससे अच्छा बैट्समैन ही कोई नहीं है। अगर बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो आज सूर्या कुमार यादव की परफॉर्मेंस आउट क्लास थी। अगर बात की जाए जायसवाल की, जायसवाल ने तो तबाही फेर दिया, बिल्कुल दो के रख दिया श्रीलंका टीम को। मुझे लगता है तीसरा जो मैच होना है परसों, उसमें तो ये दुम दबा के भागेंगे, डर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, देखिए आज इंडिया ने जैसे श्रीलंका को मैच हरा दिया, लग नहीं रहा था कि इंडिया ये मैच मुश्किल से जीतेगा, लेकिन भाई वन सेडेड मैच जीता, मतलब है कि 45 बॉल के ऊपर 75 स्कोर चाहिए था, जो कि इंडिया की टीम ने लेके बताया, ठीक है, मैच को जीता और बदला लिया, रिवेंज लिया अपनी वुमेन्स का। क्या कहेंगे आज इंडिया की मेंस की जीत के बारे में? भाई इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में ये बताऊंगा कि जो इंडिया ना इंडिया, सबसे पहले तो ये है कि सब टीमों का बाप है, ठीक है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि ये हमारी टीम कुछ भी नहीं है, ये एक दफा हार जाए सब सुस्त हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे इनका कोई बाप मर गया है। इंडिया को बदला लेना आता है, ठीक है। इंडिया ने आज ऐसा, मैं कहता हूँ, आलू रखा है कि पता चल गया कि इंडिया ने बदला लिया है। बाकी जो आपको सब पता है, बिल्कुल सर, आज जो हमें जायसवाल की बैटिंग नजर आई है, जो हमें की जो बैटिंग है ना, मैं कहता हूँ कि लेवल है, ठीक है। हमारी पाकिस्तानी कौम है, ये क्रिकेट देखने जाती है, पाकिस्तान वाले हार जाते हैं, इनकी पहले माँ मर जाती है, इंडिया वालों ने बदला लिया, मुझे यार बड़ी खुशी हुई है, ठीक है। मैं क्रिकेट में शौक नहीं रखता, लेकिन मैंने बड़े शौक से क्रिकेट देखी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडिया आता जैसे ही जब इंडिया की 10 आ रही है, जो इंडिया ना, मैं इतना बताता हूँ कि सब टीमों का बाप है। मैं पाकिस्तान का खुद बंदा हूँ, मैं पाकिस्तान को इसमें बैड लूजिंग का कहूँगा, ठीक है। इंडिया ने जो बदला लिया है, मैं कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे ही रहेगा। और हमारी श्रीलंका के अगला मैच है इंशाल्लाह, श्रीलंका वाले जो है ना इंशाल्लाह वो पीछे ही आएंगे। इंडिया जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है। बाकी रही बातें पाकिस्तान की, पाकिस्तान अगर कुछ सीखना है तो इंडिया वालों से क्रिकेट के बारे में सीखे। पाकिस्तान हो भाई, कुछ सोचो, आप किस तरह की बातें करते हैं, आप कितनी दफा मैच हार के गए हैं, आप सुस्त हो जाते हैं, फिर अपनी पब्लिक को भी सुस्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी टीम से, हमें दुख होता है यार, हम भी पाकिस्तान में है, लेकिन आज इंडिया ने ऐसा बदला लिया यार, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो क्या कहेंगे इंडिया की जीत के बारे में? जैसे इंडिया की टीम जीती है और उन्होंने मैच अपने नाम किया, श्रीलंका को मैच हराया, क्या कहेंगे आज इंडिया की बैटिंग के बारे में, बॉलिंग के बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरह का पहला मैच उन्होंने अपने नाम किया और आज दूसरा मैच, हमें तो यही था कि आज दूसरा मैच जो है बारिश की नज़र हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने अनस्टॉपेबल खेला है और अनस्टॉपेबल खेल के उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ अपने नाम किया है मैच और बहुत अच्छा मैच खेला है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, जायसवाल ने बहुत अच्छा धोया है, और बॉलिंग की बात की जाए तो शदीप ने बहुत कमाल की बॉलिंग किया और बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेला है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा मैच सर। देखिए ना कि सूर्य कुमार यादव ने जैसे बदला लिया अपनी वुमेन्स का, उन्होंने जैसे मैच को पासा पलटा और देखिए सारा का सारा मैच उन्होंने अकेले चेज करके बता दिया। शुभन गिल चले गए, लेकिन जैसे ही जायसवाल उनके साथ खड़े रहे, दोनों ने मिलकर उनका, मैं कहता हूँ, बैंड बजा दी पकड़ के आज श्रीलंका की। शुभन गिल की कमी आज सूर्य कुमार यादव ने पूरी की है और साथ जायसवाल ने की है। जायसवाल ने जिस तरह पहले मैच में धोया, आज भी उससे साबित कर लिया कि उससे अच्छा बैट्समैन ही कोई नहीं है। अगर बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो आज सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस आउट क्लास थी। अगर बात की जाए जायसवाल की, जायसवाल ने तो तबाही फेर दिया, बिल्कुल दो के रख दिया श्रीलंका टीम को। मुझे लगता है तीसरा जो मैच होना है परसों, उसमें तो ये दुम दबा के भागेंगे, डर जाएंगे, तो वैसे डर गया हुआ है, बारिश नहीं बचा पाई श्रीलंका पे यार, कितनी कोशिश की है श्रीलंका ने। श्रीलंका डर चुका है, अब उसे दुम दबा के भागना पड़ेगा। श्रीलंका की इस टाइम से मैं लेते श्रीलंका के घर में कुछ हरा दिया यार, ऐसा बदला
इसको कहते हैं बदला लेना यार। सर आपने स्टीक की बात की, अगर इंडियन टीम की स्टीक को तोड़ना है तो कोई तोड़ नहीं सकता, वो बाप भी नहीं तोड़ सकता। क्यामत तक अगर कोई भी टीमें आ जाए वो इंडिया की स्टीक को कभी नहीं तोड़ सकती, ये आपको मैं 100% तौर पर कह रहा हूँ। तो देखिए ना कि जैसे इंडिया के अंदर हमें आज अग्रेशन नजर आया, हमें हार्दिक पांड्या के अंदर अग्रेशन नजर आया, जब भी बिश्नोई के अंदर अग्रेशन नजर आया, नजर क्या कहते हैं एशिया कप हारने का अग्रेशन था ये वाला, हारने का ही था मुझे लगता है। उन्होंने बॉलिंग किया, विकेट लिया, उन्होंने वुमेन्स का बदला लिया है, जो आज वुमेन्स नहीं जीत पाई उन्होंने बता दिया कि हमारे मेंस किसी से कम नहीं है, उन्होंने बता दिया कि हमारे मेंस जो है वो शाना बशाना खड़े हैं, अगर हमारी टीम एक आधा मैच हार भी जाए तो हम उसकी कमी पूरी करेंगे, बता दिया आज हार्दिक पांडे ने, सूर्या कुमार यादव ने, जायसवाल ने कि हम किसी से कम नहीं है, अगर हमें हराना है तो आपको सीना तान के प्रैक्टिस करके फिर मैदान में दो मरतबा जन्म ले जाना पड़ेगा, भारतीय नारियों के साथ पंगा ले जाता श्रीलंका के। बिल्कुल आज आपको एक रोड़ हो रही थी और ये हंस रहे थे वहां पर बैठ के, लेकिन उन्होंने जैसे बदला लिया पूरा श्रीलंका रोड़ा पकड़ गया। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर मैं आपको एक और अचीवमेंट बताऊं तो आज मनु भाकर ने जो है वो जिस तरह मुकाबला जीता है, हर मुकाबला आप देखें इंडिया का, किसी भी गेम में देखें, ओलंपिक में देखें, आप किसी भी इवेंट को उठा के देख लें, इंडिया हर मैदान में अपने झंडे गाड़ रहा है, किसी भी मैदान को आप तलाश करके देख लें, हर मैदान में जो है इंडिया अपनी स्टिक पे स्टिक लगा रहा है, अपने नाम कर रहा है, और मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा, दूसरा मैच नाम किया है और मैं दुआएं हैं कि तीसरा मैच भी इनके नाम से। इंडिया की टीम आज सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर जीती है, श्रीलंका को मैच हरा दिया, बारिश भी श्रीलंका को नहीं बचा पाई, बारिश की दुआएं की जा रही थी बारिश हो जाए श्रीलंका की तरफ से, लेकिन उनको वो मौका नहीं दिया बारिश ने और श्रीलंका मैच हार गया यार। 8 ओवरों के अंदर सिर्फ 75 स्कोर करना था जो कि इंडिया ने आसानी से कर लिया, क्या कहेंगे इंडिया टीम की जीत के बारे में और जैसे श्रीलंका मैच हारी इसके बारे में? यार मैं कहता हूँ इंडिया की कोई समझ ही नहीं आती, वो कोई मैच हार ही नहीं रही, कोई सीरीज ही नहीं हार रही, उन्होंने देखे चैंपियन में के उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, उन्होंने हर जगह पर मनवा दिया, उनकी तो वुमेन भी लड़कों से ज़्यादा अच्छा खेल रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आती, यकीन करें उनकी एक दिन में वुमेन का 200 से ऊपर टारगेट फिट किया हुआ तो उन्होंने, और मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार ये तो लड़कों से भी ज्यादा आगे गुजर गई हैं। तो सर देखें कि इंडिया की वुमेन्स जो है वो आज एशिया कप हार गई हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनका बदला लिया, रिवेंज लिया श्रीलंका के मेंस को हरा के, तो आपको लगता है कि उन्होंने वाकई ही जो गुस्सा था सारा ग्रेशर था सारा श्रीलंका के मेंस पे ऊपर निकाल दिया वुमेन्स का? बिल्कुल बिल्कुल यार, उसने साबित कर दिया कि वो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव। हाँ बिल्कुल, उसने साबित किया अपनी कैप्टनसी से कि वो कैप्टन है, और दूसरा इसके बाद सूर्य कुमार यादव के बाद जायसवाल जैसा भी कोई मैं कहता हूँ बैट्समैन नहीं है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं, और मैं हमेशा से हार्दिक पांड्या का फैन रहा हूँ और फैन हूँ, और क्योंकि यार वो बंदा वो प्लेयर है जो डूबे हुए मैच को उतार सकता है। तो देखे ना जैसे इंडिया की टीम स्ट्रीक लगा रही है, जीती जा रही है, श्रीलंका कैसी आज मैच हार गई है, बारिश के बारे में क्या कहेंगे, कुदरत का निजाम भी साथ नहीं दे सका? बिल्कुल यार देखिए ये तो किस उनकी कहने के बैड लक थी श्रीलंका की, हाँ, या फिर उनकी अच्छी मेहनत थी इंडिया की, हाँ। दोनों में से एक बात है, दोनों में जो मर्जी सपोज कर लें आप, मैं इधर कुछ नहीं कहूंगा, कुदरत जानती है क्या नजारा है उसका। यार देखिए ना कुदरत पाकिस्तान का साथ नहीं देती, पाकिस्तान के भी बड़े मैचेस में बारिश हुई है लेकिन पाकिस्तान को मौका नहीं मिला, लेकिन इंडिया और श्रीलंका के मैच में सेम सिचुएशन बढ़ी है, इंडिया को मौका मिल गया, इंडिया जीत गई है और श्रीलंका को मौका नहीं मिला वो हार गई है। सर इंशाल्लाह पाक करम करेगा पाकिस्तान पे भी, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी वेल प्लेड करेगा, नेक्स्ट आप मैचेस देखेंगे ना पाकिस्तान, इंशाल्लाह आपको वो पाकिस्तान नहीं देखेगा बल्कि चेंज पाकिस्तान की टीम देखेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। वो वक्त करीब है, वो वक्त बहुत करीब है, तो तब इंडिया को हरा पाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, आप देखें अनबीटेबल पाकिस्तान जीतेगा जैसे इंडिया अनबीटेबल है। हाँ ऐसे ही। तो आपको इंडिया में से कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा लगा जो आज परफॉर्म कर रहा था, हार्दिक पांड्या था, सूर्य कुमार यादव था कि जायसवाल था? मुझे हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या ने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ हार्दिक पांड्या, मजा आया आपको, आपको देखिए उन्होंने आज बैटिंग में भी डोमिनेट किया, बॉलिंग में भी डोमिनेट किया। सुने मैं आपको पहले भी बहुत देर पहले एक साल पहले भी ये कह चुका हूँ कि हार्दिक पांड्या और विराट कोहली इंडिया के पास दो प्लेयर हैं, उनमें से एक रह गया T20 में आई थिंक, है ना, हार्दिक पांड्या रह गया, और ये वो प्लेयर हैं जो डेड मैच प्लेयर हैं। हाँ ये तब यूज होते हैं जब डेड